तो ये नमो घाट, रात के 8-10 हो रहे हैं। मैं इधर आया हूँ घूमने के लिए। और ये रहा राइडिंग, और ये रही पुल जो रात को काफ़ी खूबसूरत दिखती है, राजघाट। आगे चलते हैं। रात में काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ होती है। गर्मी में तो धूप में काफ़ी ज़्यादा नरक। बच्चों की गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए यहाँ पे भी व्यवस्था है, मतलब मनोरंजन के जैसे साधन यहाँ पे हो रहे हैं, ताकि ये पूरा टूरिस्ट स्पॉट तो बन ही गया है। लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, घूमते भी रहते हैं। कोई हमर लेके चल रहा है, कोई कुछ। ये आगे से ट्रेन आ रही है। काफी मनोरंजक माहौल है यहाँ का। वो सीएनजी स्पॉट है, और नाव जो सीएनजी चलती है उनके लिए वहाँ फिलिंग स्टेशन है बना हुआ है। दिन में तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ घाट कैसा लगता है, रात का आनंद लेते हैं कैसा दिखता है। वैसे ये सब्सक्रिप्शन जा रही है और ये और खूबसूरत दिखता जाएगा। दुकान भी रहना खुल गया है छोटे छोटे। ये पूरा नज़ारा लाइटिंग्स का, जो ऊपर जो नक्काशी बनी हुई है उस पर भी ध्यान देखिएगा कि वहाँ पे पूरा बनारस का सब कुछ उकेरा गया है, मतलब उसको उसमें दिखाया गया है। और इधर से घाट कुछ ऐसा दिखता है पुल। सब दुकानें हैं नीचे, जो तीन टाइप की बनी हुई हैं, सब दुकानें बन गई हैं। और ये आगे घाट, सुंदर। रात में लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगता है। नीचे चलते हैं। ये फ्लोटिंग स्टेशन है सीएनजी का, ऊपर नदी पुल घाट। और ये रहा घाट सबका, नमो घाट का कायदा। यहाँ पे काफ़ी दुकानें भी खुली हुई हैं, फ्रूट चाट, डेरी प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द थिंग्स। ये है नमो घाट का पूरा कायाकल्प रात्रि के अंधेरे में। ये पूरी लाइटिंग का खेल यहाँ पे, उधर से ट्रेन जा रही है ऊपर से, फिर उसके ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं, फिर प्लेन जाएगा ऊपर से नीचे नाव। ये है रात्रि की खूबसूरती नमो घाट की। तो यू आर वेलकम, साथ में आइए, देखिए हर एक कलर में ये दिखेगा आपको। साफ सफाई भी काफ़ी अच्छे से किया गया है, बढ़िया बेहतरीन। प्लीज़ टू विजिट